प्रदेश में शादी समारोह में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हर्ष फायरिंग की जा रही है। मामला फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के शांखा गांव का है, जहां शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में शाखा गांव में सुरेंद्र गुप्ता के घर पर बारात आई थी, जहां पर बाराती की ओर से एक बच्चा सिंह नाम का व्यक्ति आया हुआ था, जिसने एक अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग किया। उससे उस बारात की कवरेज कर रहे कैमरामैन और लड़की के सगे भाई को छर्रे लगे हैं। दोनों की हालत ठीक है, दोनों का इलाज सही ढंग से चल रहा है। इस संबंध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।